जय श्री राम दोस्तों, वेलकम है आपका द लर्नर्स अकेडमी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट रहे। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ऑप्शन 1 मोहर, मनके, मृदभांड या शैलखड़ी। तो उसका करेक्ट आंसर है मोहर। हड़प्पाई मोहर सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी हड़प्पा सभ्यता की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है 1 सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है 1 सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सरस्वती सभ्यता या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति का भी शब्द प्रयोग किया जाता है इसके लिए, और सिंधु घाटी सभ्यता भी से कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3, पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते हैं। ऑप्शन 1 जिसकी एक विशिष्ट शैली हो, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों, एक विशेष कालखंड से संबंधित हो, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, जो पुरातात्विक लोग हैं वो संस्कृत शब्द का ऐसे लोगों के लिए प्रयोग करते हैं या ऐसे समूह के लिए प्रयोग करते हैं जिसकी एक विशिष्ट शैली हो, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों, और एक विशेष कालखंड हो, यानी एक टाइम ऑफ पीरियड जो है एक ही हो उनका, और एक ही क्षेत्र में रहते हों। ऐसा नहीं है कि वो कहीं कुछ लोग इधर रह रहे हैं, कुछ लोग इधर और कहीं पे इधर रह रहे हैं। तो ये एक संस्कृत, इसके लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो, यानी यहाँ से यहाँ तक इसी तरीके के लोग रहते हैं, तो उसके लिए, या फिर और उनकी क्या हो, एक विशिष्ट शैली हो। तो इन तीनों के लिए जो शब्द है संस्कृत या संस्कृति, उसका प्रयोग करते हैं पुरातात्विक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है। ऑप्शन 1, या कई बार कालखंड भी पूछा जाता है। ऑप्शन 1 है हमारा 1900 BC से 2600 BC, 2350 BC से 1750 BC, 2600 BC से 1900 BC, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 2600 BC से 1900 BC। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। 1 है आरंभिक, 2 है विकसित और 3 है उत्तर। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें विकसित हड़प्पा सभ्यता, जिसका कालखंड है 2600 BC से 1900 BC। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, किस हड़प्पा स्थल से चावल के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन 1 कालीबंगा, धोलावीरा, रंगपुर, रोपड़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 रंगपुर, गुजरात में है जो कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 कालीबंगा, 4 लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल था हड़प्पा सभ्यता का, जबकि सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा, जो कि पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता थी। 1, ऑप्शन 1 है हमारा शहरी केंद्रों का विकास, विशिष्ट मृदभांड, मुहर, और 3 नियोजित जल निकास प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 नियोजित जल निकास प्रणाली, जो कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता मानी जाती थी। इसका जिक्र अर्नेस्ट मैके अपनी किताब द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं मिले हैं। ऑप्शन 1 500, 2 600, 3 700, 4 800। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 700। 700 कुएं मिले हैं हमें हड़प्पा के, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मोहनजोदड़ो से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा के किस पुरास्थल में आवासों का निर्माण कच्ची ईंटों से और नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। ऑप्शन आपका धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो।
तो करेक्ट आंसर इसका लोथल। लोथल में जो घर थे या आवास थे वो तो कच्ची ईंटों से बने थे, जबकि नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, जो ये दिखाता है कि यह कितने तटबद्ध थे अपने जल निकास प्रणाली के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कीमती मानी जाती है या विलासिता की वस्तु मानी जाती है? ऑप्शन एक मृदभांड, मनके, मुहर, फ्योंस। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 4, फ्योंस। फ्योंस जो है सबसे विलासिता की वस्तु मानी जाती थी। ये बालू या रेत को एक चिपचिपे पदार्थ में मिलाकर बनाए जाने वाला एक विशेष पात्र था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विशाल स्नानागार जलाशय किस आकार का है? देखिए ये जो विशाल स्नानागार जो है हमें, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, हमें मोहनजोदड़ो के दुर्ग से मिला है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विशाल स्नानागार जलाशय किस आकार का है? हमें विशाल स्नानागार के जला जो हमें विशाल स्नानागार जो मिला है वो हमें मोहनजोदड़ो के दुर्ग से मिला है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग से दो विशेष संरचना मिली है, एक तो है माल गोदाम, दूसरा है हमारा विशाल स्नानागार, ठीक है। माल गोदाम जिसे अन्नागार भी कहा जाता था। तो ये किस आकार का है हमें ये बताना है। ऑप्शन एक वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या चक्राकार। तो ऑप्शन दो सही है इसका, आयताकार। विशाल स्नानागार जलाशय जो है वो आयताकार का है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मिले सबसे बड़े अभिलेख में कुल कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा सभ्यता से एक अभिलेख मिला है जिसमें कुल कितने चिन्ह हैं वो बताने में। ऑप्शन एक 16, 2 26, 3 30 और 4 36। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन दो। 26 चिन्ह मिले हमें सबसे बड़े अभिलेख से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा लिपि में लगभग चिन्ह हैं, कितने चिन्ह हैं ये बताना है हमें। जो हमारी हड़प्पाई लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक लिपि, चित्रलिपि कह सकते हो इसे, जो कि मिस्र की लिपि से मिलती जुलती थी काफ़ी। और इसमें कितने चिन्ह लगभग मिले हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन एक 300 से 400, 375 से 400, 350 से 400 या लगभग 325 से 400। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन दो, लगभग 375 से 400। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। बाट बने होते थे, ऑप्शन एक सेल खड़ी पत्थर से, लाजवर्द, चर्ट या इनमें से कोई नहीं। सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग जो है, सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग ज़्यादातर मुहर बनाने के लिए किया जाता था। जो लाजवर्द पत्थर है जहाँ जो कि सोरतूगही से मिलता था, इसका प्रयोग मन के या फिर विशिष्ट वस्तुओं को बनाने में किया जाता था। और जो चर्ट पत्थर है इससे बाट बनाए जाते थे। चर्ट पत्थर किससे बने होते, बाट किससे बने होते थे? चर्ट पत्थर से। जो बाट हैं वो दो मानदंडों पर आधारित थे, दो मानदंडों पर आधारित थे, ठीक है, इतना याद रखने का। इसका जो निचला हिस्सा होता था, निचला हिस्सा वो द्विधारी होता था, द्विधारी, जबकि जो ऊपरी हिस्सा होता था वो दशमलव पद्धति पे होता था आधारित, ठीक है, दशमलव पद्धति पर आधारित होता था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीन, चर्ट पत्थर। क्वेश्चन नंबर 15, डेडमैन लेन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन है आपका एक मोहनजोदड़ो, दो हड़प्पा, तीन लोथल, चार पनावली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें एक गली मिली है जिसको डेडमैन लेन कहा गया है। इसका जिक्र जो है जॉन मार्शल ने अपने किताब में किया है, ठीक है। उसमें बताया है कि वहाँ पे एक खोपड़ी और एक वयस्क की खोपड़ी और उसकी जो उंगली होती थी उसके कुछ चिन्ह मिले हैं या अवशेष मिले हैं, जिस वजह से इसे डेडमैन लेन कहा गया, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है आप ये बताना है। ऑप्शन एक प्राचीन, दो किला, तीसरा गढ़, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी। ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ प्राचीन भी है, किला भी है और गढ़ भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन चार। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक फिल रिक्त स्थान वर्ण है जिसमें हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू था। अब सबसे अनूठी विशेषता पूछी जाए हड़प्पा शहरों की, वो थी नियोजित जल निकास प्रणाली। और सबसे अनूठा पहलू पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा शहरी केंद्रों का विकास, शहरी केंद्रों का विकास। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू था शहरी केंद्रों का विकास। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई चार गुनी और दो गुनी होती थी, ठीक है। कितनी गुनी होती थी? चार गुनी और दो गुनी। इनका अनुपात जो होता था लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का चार और दो होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
तांबे के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध हमारा राजस्थान का खेतड़ी। क्वेश्चन नंबर 20, मेलुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था, किनके लिए किया जाता था, यहाँ ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा के लोगों के लिए, हड़प्पा वासियों के लिए, ठीक है, हड़प्पा वासियों के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब ये जो शब्द है ये हमें मेसोपोटामियाई लेखों में मिलता है, ये जो शब्द है हमें वो मेसोपोटामिया के लेखों में मिलता है हमें, ठीक है, मेसोपोटामिया लेख में मिलता है ये मेलुआ शब्द। इस लेख में हमें तीन शब्द मिलते हैं, एक है मेलुआ, दूसरा है मगान और तीसरा है दिलमुन, ठीक। तो जो मेलुआ शब्द था ये तो हड़प्पा लोगों के लिए यूज किया जाता था, मगान शब्द ओमान के लिए और दिलमुन शब्द संभवतः बहरीन द्वीप के लिए किया जाता था, ठीक है, इतना याद रखिएगा अगर कुछ पूछा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, हड़प्पा और ओमान के तांबे में अंश मिलते थे, कह सकते हो हड़प्पा और ओमान के तांबे में के अंश मिलते थे, अब किसके अंश मिले हैं ये बताना है हमें, तो निकल के अंश मिले हैं, ठीक है, इनका जो तांबा था जो हमें हड़प्पा के स्थलों से और ओमान के स्थलों से तांबा मिले उन दोनों में निकल के अंश समान मिले हैं, जिससे शायद अंदाजा लगाया जाता था कि हड़प्पा वासियों के सुदूर पूर्व से संपर्क रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों का आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा है? तो अब हमें पता चल गया है कि वो किस तरीके से खाना खान पान उनकी आहार संबंधी आदतें क्या थी उसका पता चला है विद्वानों को, तो किस वर्ग ने पता लगाया अभी हमें ये बताना है। ऑप्शन एक पूरा प्राणी वैज्ञानिक, पूरा मानव जाति वैज्ञानिक, भू पुरातत्वविद और पूरा वनस्पतिज्ञ। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 पूरा वनस्पतिज्ञ। जो हमारे अनाज हैं बीज हैं ये सब किससे संबंधित है? वनस्पति से तो है, तो इनका पता भी कौन लगाएगा, कौन सा विद्वान वर्ग लगाएगा, पूरा वनस्पतिज्ञ ही तो लगाएंगे। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, 22 खत्म करके 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों माना गया है? अब हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों माना गया है हमें ये बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण का चयन कीजिए। ऑप्शन एक, ये मिस्र की चित्रात्मक लिपि से मेल खाती है। हाँ, चित्रात्मक लिपि से मेल खाती है काफ़ी, बिल्कुल, लेकिन जो मिस्र की चित्रात्मक लिपि है उसका अर्थ निकाला जा चुका है तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, इनमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, 600 से 1000 के बीच है। नहीं, अभी पढ़ा 375 से 400 के बीच है। यह बाईं से दाईं ओर लिखे जाते थे, नहीं, ये दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे, यानी राइट टू लेफ्ट थी, राइट से शुरू करते थे लेफ्ट की तरफ चलते थे। तो इसके तीनों ऑप्शन तो हो गए गलत, ये भी गलत, ये भी और ये भी गलत। लास्ट ऑप्शन है, इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हाँ, यही कारण है कि इसे रहस्यमय लिपि माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन 24, हड़प्पा संस्कृति में शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं जिनसे शायद पता चल सकता है कि इस तरीके से लोग इनका पता या इन उत्पादन केंद्रों की पहचान करते होंगे। ऑप्शन एक कथन एक पुरातात्विक कच्चा माल जैसे प्रस्तर पिंड तांबा अयस्क शंख आदि को खोजते हैं। हाँ, इनको खोजेंगे तभी तो पता चलेगा कि शायद यहाँ पे कोई किसी चीज़ का उत्पादन होता होगा, तो ये तो ठीक है, ये कथन मिलता है इससे काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 2, वे मृदा की संरचना का अध्ययन करते थे। मृदा का संरचना शिल्प उत्पादन से संबंधित कैसे हो सकती है? नहीं, ये कथन यहाँ मैच नहीं करता। तीसरा कथन देखिए, वे अपूर्ण वस्तु त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट पाते हैं। हाँ, इन चीज़ों को पाएंगे तभी तो पता चलेगा कि शायद यहाँ पे कुछ उत्पादन होता होगा या इस चीज़ का उत्पादन होता होगा। तो दूसरा और तीसरा तो अभी मिल रहा है, कथन संबंधित है इससे। चौथा, उन्होंने मृदाओं के रासायनिक विश्लेषण के प्रयास किए। नहीं, ये इससे मैच नहीं खाता। तो ऑप्शन जो कथन एक है हमारा वो और कथन 3 ये इससे संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं ये कहाँ पर है। ऑप्शन एक में है 1 और 2, नहीं, दूसरे में है 2 और 3, नहीं, तीसरे में है 1 और 3। तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आपके आसपास एक शॉप है फर्नीचर की जो कि लकड़ियों का काम करती है। अब आप वहाँ जाते हो तो देखते हो कई लकड़ी के टुकड़े ऐसे ही पड़े होते हैं
जो कि पूरे नहीं होते, या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, और उसी के साइड में कई बार लकड़ियों की जो बची हुई चीज़ें होती है, जो कूड़ा करकट होता है, वो भी पड़ा होता है। उसको देख के हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि शायद वहाँ पे लकड़ी से ही कोई चीज़ बनाई जाती होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धोलावीरा पुरस्थल भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है धोलावीरा, ये बताना है। गुजरात में है, इसका आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन 26, हड़प्पा के उस संगठन का नाम लिखिए जो पुरातत्वीय उत्खननों के माध्यम से हड़प्पा के खंडरों को पहचानने का प्रयास कर रहा है। तो कौन सा विभाग है जो इन हड़प्पा के खंडरों को पहचानने का प्रयास कर रहा है, उसका नाम लिखना है। अब देखिए, पुरातत्वीय उत्खनन, पुरातत्वीय उत्खनन कौन करेगा? पुरातत्व विभाग ही तो करेगा, और भारत में, तो भारतीय पुरातत्व विभाग। तो उसका आंसर है भारतीय पुरातत्व विभाग, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है भारतीय पुरातत्व विभाग। क्वेश्चन 27, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है ये, ठीक है। तो उसका आंसर है एस एन राव, ये बुक है एस एन राव की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल का नाम लिखिए जिसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। तो किसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दी, इसके बताने हैं। देखिए, 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने एक नई संस्कृति के रूप में रखा था सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो के नगर को, या कहीं हड़प्पा सभ्यता को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में जॉन मार्शल। तो हमें उस डायरेक्टर जनरल का नाम लिखना था, तो डायरेक्टर जनरल का नाम था उस टाइम जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है एलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक विभाग के या सर्वेक्षण के। इन्हें भारत में पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। भारत में कार्य करने वाले पहले पुरातात्विक, सेम इसका आंसर भी यही होगा, एलेक्जेंडर कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता अपनी जिस विशेषता के लिए सबसे अधिक जानी जाती थी, किस विशेषता के लिए जानी जाती थी, ये बताना है। ऑप्शन एक नगर योजना, दो कृषि, तीसरा व्यापार, चौथा पशुपालन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक नगर योजना। इसके अनूठा पहलू यही था कि यहाँ पे नियोजित, यहाँ पे जो शहरी केंद्रों का विकास बहुत इसकी अनूठी विशेष, इसका अनूठा पहलू था। तो ये जो है हमारी हड़प्पा सभ्यता किस चीज़ के लिए ज़्यादा जानी जाती है, वो है नगर योजना के लिए। यहाँ पे नगरों की स्थापना हुई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, एलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन एक, सांची सारनाथ समेत अनेक स्थानों को उन्होंने उत्खनन कराया, ठीक है ये बिल्कुल। ऑप्शन दो, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने में भूमिका निभाई इन्होंने, ये भी ठीक है। ऑप्शन तीन, भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ये भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन, वे अंग्रेज चिकित्सक थे, नहीं ये गलत है। तो कनिंगम के बारे में असत्य कथन ऑप्शन चार, वे अंग्रेज चिकित्सक थे, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि, ऑप्शन एक है हमारा, हड़प्पा स्थल खोजे गए सभी स्थलों में व्यापक था, नहीं, सबसे व्यापक तो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन दो, यह संस्कृति सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान में खोजी गई, हाँ ये हो सकता है। सबसे पहले खोजा गया जो स्थान था इस सभ्यता से संबंधित, वो तो हड़प्पा था, तो उसके नाम पे तो इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता, तो इसका ऑप्शन दूसरा हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन तीन भी पढ़ लेते हैं एक बार, यह स्थल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो, लेकिन इसके नाम पे थोड़ी ना इसका हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन चार उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दो। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता थी, अब किस तरीके की सभ्यता थी ये बताना है। ऑप्शन एक ग्रामीण नगरीय, ग्रामीण और नगरीय, ऑप्शन चार उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता किस विशेषता के लिए, नगर योजना के लिए, तो इसका मतलब ये कि नगरीय सभ्यता थी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन दो।
लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा की खोज कब और किसने की? ऑप्शन ए 1921 में दयाराम साहनी ने, 1922 में रखालदास बनर्जी ने, 1924 में जॉन मार्शल, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक, 1921 में दयाराम साहनी ने, जबकि 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, और 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा को एक नई संस्कृति के रूप में दुनिया के सामने रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का था आंसर ऑप्शन एक। वीडियो खत्म करने से पहले हम कुछ अवशेष जहाँ से मिले और किस स्थान से मिले जान लेते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। पहला है मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप, हाल नहीं हल है ये, हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले? बनावली हरियाणा में है, जो कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगल राजस्थान में। ये जो खेत हैं इनमें जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाते होंगे। ठीक है। तीन, नहर के अवशेष या नहरों के अवशेष कहाँ से मिले? सोरतुघई, और जो सोरतुघई है वो लाजवर पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक। चार, जलाशय, जलाशय कहाँ से मिले हमें? धोलावीरा से, जो कि गुजरात में है, और सोरतुघई अफगानिस्तान में है। पांच, अवतल चक्कियां, कुआं, माल गोदाम, विशाल स्नानागार, विशाल भवन, पुरोहित राजा और डेडमैन लेन के साक्ष्य, ये सब हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से, जो इसे एक प्रसिद्ध नगर बनाते हैं। आगे, वेदियां या वेदिकाएं, हवन कुंड भी कह सकते हो तुम, हम इसे हवन कुंड भी कहते हैं। ठीक। तो ये सब हमें कहाँ से मिले? लोथल और कालीबंगा से। कार्नीलियन पत्थर, लोथल जो है कार्नीलियन पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। तांबा, तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध था, खेतड़ी से मिले, जो कि राजस्थान में है। लोथल जो है वो गुजरात और कालीबंगल राजस्थान में है। नौ, शंख के अवशेष, शंख से बनी चीजें, ये कहाँ से मिली हमें? नागेश्वर गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान से। छेद करने के उपकरण, ये जो छेद करने के उपकरण थे ये मनके में थे। ठीक है। या कहीं मनके में छेद करने के उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ो पाकिस्तान, लोथल और धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। ठीक। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करेंगे, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके लिए दो क्वेश्चन है। पहला, कि सबसे पहले हड़प्पाई मोहर या हड़प्पाई अवशेष, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कब मिले थे? और दूसरा, कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर या स्थल अपनी एकांतता के लिए प्रसिद्ध था? ठीक। दो क्वेश्चन आपके, कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कब मिले, और दूसरा, कौन सा हड़प्पाई स्थल या हड़प्पाई नगर अपनी एकांतता के लिए प्रसिद्ध था? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।